नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत आप सभी का दोस्तों। एक बार फिर से एक बहुत बड़ी घटना घट गई है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में एक कॉलोनी की रहने वाली लड़की से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। दरअसल ये घटना है जहां पर एक कॉलोनी की लड़की को करनाल का रहने वाला एक लड़का प्रशांत उठाकर ले जाता है अपनी गाड़ी में बैठाकर और फिर हरिद्वार ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। ये बेहद बुरा व चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये करीब एक साल पहले की ये घटना है। मामला अब दर्ज हुआ है। जो मेट्रोपॉलिटन साइट्स हैं, फेसबुक, चैटिंग, स्नैपचैट बहुत सारे हैं, इसके जरिए उस लड़की की मुलाकात करनाल के रहने वाले प्रशांत से हो गई। दोनों के बीच व्हाट्सएप, फोन मैसेज शुरू हो गए। प्रशांत ने उसको कई बार बुलाया मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद प्रशांत का रिश्ता कहीं और तय हो गया, तो उस लड़की ने भी फोन पर बातचीत करनी बंद कर दी, क्योंकि रिश्ता तय हो गया है, अब बातचीत करनी बंद कर दी। लेकिन प्रशांत ने भी एक योजना बनाई। प्रशांत बहुत ही चालाक था। उसने दोबारा कॉल किया जगाधरी की उस युक्ति को, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और कहा कि उसका रिश्ता है वो टूट गया है और वो उसी से शादी करेगा, तो वो भी उसकी बातों में आ गई। और उसके बाद वो गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी में उस युक्ति को बिठाता है और हरिद्वार ले जाता है, जहां युक्ति का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, उसमें बेहोशी की दवा मिलाई और उसके बाद जबरन दुष्कर्म किया गया। उसका वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। उसके बाद उस युक्ति ने जगाधरी थाने में जाकर, महिला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अभी गिरफ्त से बाहर है, जल्दी पुलिस उसको पकड़ लेगी। अभी ये बहुत बड़ी घटना सामने आई थी।